व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और रिकू देखो मजे कर रहा है और मोती भी मजे कर रहा है। मैंने अभी भैंसे अंदर बांधी हैं, आओ चलो मैं दिखाता हूँ। ये अपना चारा खा रही है अभी। गाइज, आप में से कई सारे लोग हैं जो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। बाकी अभी ये अभी पानी दे रहे हैं पौधों में, तो इसे ऐसे ये लगाते हैं। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैंने अपने सारे पौधे दिखाए थे आप लोगों को। तो आओ देखो, तो आप वो व्लॉग भी चेकआउट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टंकी भर चुकी है, मोटर से हम पानी दे रहे हैं, तो अभी सभी जगह दे रहे हैं। तो अभी एक कैरी तो फुल हो चुकी है, अब दूसरी करने लग रही है मेरी दादी। मतलब दादी तो अंदर है लेकिन घर के चली गई। तो ये वाली तो हो गई, अब ये दूसरी वाली। तो हमने ये जुगाड़ सा लगा रखा है थोड़ा, जिससे कि हम दे देते हैं। तो गाइस अभी ये तो हो गया, और ये हमने जैसा कि पिछले लोगों में बताया, ये हमने डंडी इसलिए लकड़ियाँ इसलिए लगा रखी हैं क्योंकि नीचे हम कुछ भी बो सके और ऊपर से फल तोड़ने में भी आसानी हो। तो गाइस, जिन जिन लोगों ने आपने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें आपको एक तो डिफरेंस लगा होगा पिछली वीडियो और इस वीडियो में, तो वो डिफरेंस कमेंट में लिख के बताना यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ है, आप बताओ। तो गाइस बताना यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ है। जिन जिन लोगों के जवाब सही होंगे मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, जिन जिन लोगों के गलत होंगे कोई बात नहीं, अगली बार गैस कर देना। तो अभी चलते हैं अपने इस टंकी वाले पानी से बचाते हुए। तो देखो कितना ज़्यादा गिरता है, अब क्या करूँ मैं अभी, मेरे को बिल्कुल घूम के। तो अभी वैसे हाँ, तो तैयार रहना, कल मोती की मोती को नहलाने का व्लॉग आएगा, तो सभी लोग तैयार रहना। बाकी हमारी स्कूटी यहाँ खड़ी है आज, ये सुबह मैंने धोई है, पीछे तो पूरी गंदी हो गई थी, हालांकि अभी फ़िलहाल थोड़ी और गंदी। आप में से दो तीन लोग पूछ रहे थे कि ये हमने क्यों लगा रखा है, तो भैंसों का चारा खाने गाय ना आ जाए इस वजह से हमने ये लगा रखा है। तो बाकी अभी हम भैंस का दूध नहीं निकालते, दो तीन महीने बाद निकालना है पहले। देखो अभी खाना खा लिया है, तो इसकी बच्ची भी खाना खा रही है। तो काम करते हैं, हम मोती के साथ थोड़ा खेलते हैं क्योंकि आज ये मासूम बैठा है, इसकी आज मैंने पिट्टी लगा दी, वॉशरूम कर दिया था इसने यहीं पर ही। आजा आजा, तो भी आ रहा है। क्या हुआ? तो ये मेरा डॉगी है, आराम से बैठा है मेरा पास। तो बाकी तो गाइस वो जो सरप्राइज था वो जल्दी आने वाला है। मेरी थोड़ी दिन पहले वाली व्लॉग्स में आपको पता चलूँगा कि मैंने एक सरप्राइज़ के बारे में बोला था, तो वो जल्दी आने वाला है। अभी रिकू मिट्टी कर रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी भैंसों को बांध देते हैं।
रात के टाइम में। बाकी अभी करने को कुछ है ही नहीं, तो क्या करें। तो मम्मी जी अभी कड़ी बना रही हैं, तो आओ चलते हैं। मम्मी ने तो बना ली, तो अभी हम मारम पिट्टी खेलना चाह रहे हैं। तो इसमें इस बॉल में हवा नहीं है, तो ये ज़्यादा देर लगेगी नहीं, इस वजह से हम इससे मारम पिट्टी खेलते हैं। तो मैं आपको कहीं रख देता हूँ फोन को, मैं यहाँ पे मारम पिट्टी खेल रही हूँ। यहाँ पे मैं कहाँ रखूँ अपना फ़ोन जो गिरे ना। रुक जाओ, ये तो अभी से ही शुरू हो गया है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो गाइस अभी बॉल मिस हो चुकी है और वो बहुत तेज मारेगा मेरे, तो मेरे को बचना पड़ेगा। आ इस साइड करो, बच्चियों को ठीक है। तो गाइस अभी फिलहाल मोती के लग जाती मेरी बॉल और ये मेरे मारने से नहीं रुक रहा है, तो अभी मैं जल्दी से अभी से बताता हूँ। ये मार ही नहीं रहा, एक घंटा हो चुका है ये मान ही नहीं रहा, ये मान ही नहीं रहा, ये मान ही नहीं रहा। तो कैमरा थोड़ा हिला दिया इसमें, सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ी दूर भाग गया, तो गाइस हमने मारम पिट्टी खेल लिया, तो कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हमें बहुत मज़ा आया, एक टाइम पे तो रिकू ने भैंस का बॉल मारी, रिकू लेने गया और भैंस ही उछल गई, और एक बार को मैं स्कूटी का ये ढीला हो गया, इस पे बॉल आके लगी बहुत तेज, रिकू ने खा गई थी। तो फिलहाल अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ यहीं। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ब्लॉग को शेयर करें। बाय बाय एवरीबॉडी।